हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि BTS मेंबर की पॉपुलरिटी पूरे वर्ल्ड में कितनी ज्यादा बढ़ गई है, और ऐसे में BTS मेंबर के एक एक वर्ड काफी ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि उनके कहे हुए एक एक बात पर आर्मीज और हेटर्स दोनों की ही नजर रहती है और दोनों ही उनकी बातों को नोटिस भी करते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, अब BTS मेंबर भी इस बात से अनजान नहीं है, यानी कि उन्हें भी अच्छे से पता है कि उनकी एक एक एक्टिविटी पर सबकी नजर है। इसीलिए BTS मेंबर भी अपने एक एक चीज, यानी कि वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हर चीज को संभाल कर करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी ऐसा लगता है कि कभी कभी BTS मेंबर से भी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, रिसेंटली ही लॉन्च हुए BTS मेंबर के स्पेशल रन एपिसोड में RM ने एक छोटी सी ऐसी ही गलती कर दी थी और उनके मुँह से गाली निकलने ही वाली थी कि उन्होंने तुरंत ही उसे करेक्ट कर लिया। हालांकि फ्रेंड्स, ये एक कोरियन गाली थी, इसीलिए BTS मेंबर और कोरियन आर्मी समझ गए कि इस वर्ड को किस तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसीलिए जिन्हें ये बात समझ आई, उनके लिए वो मोमेंट काफी ज्यादा फनी भी बन गया। फ्रेंड्स, इस रन एपिसोड में BTS के मेंबर कार्ड गेम खेल रहे थे, जिसमें हर BTS मेंबर को कोई न कोई नंबर डालने थे, और जिस भी मेंबर का नंबर का सम 16 हो जाता तो उसका नेक्स्ट नंबर आउट हो जाता। फ्रेंड्स, ऐसे में गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला गया और BTS के मेंबर RM, जिन और जिमिन गेम खेल रहे थे, जिसके बाद जिन ने कुछ ऐसा कार्ड डाला जिसे देखकर RM ऑलमोस्ट आउट होने वाले थे। फ्रेंड्स, देखा गया कि जैसे ही RM ने जिन का कार्ड देखा, वो शॉक हो गए, जिसकी वजह से उनके मुंह से अचानक ही कोरियन में शिबोय निकल गया। हालांकि फ्रेंड्स, अगर आप K-ड्रामा देखते होंगे या फिर आप कोरियन लैंग्वेज के बारे में कुछ भी जानते होंगे, तो आपको पता ही होगा कि शिबो कोरियन का एक गाली माना जाता है और इसीलिए इसे एक अब्यूजिंग वर्ड, यानी कि गाली वाला वर्ड कहा जाता है। हालांकि फ्रेंड्स, काफी सारी आर्मीज को ऐसा भी लगा था कि शायद ये अब्यूजिंग वर्ड RM के मुँह से गलती से निकल गया है। वही कुछ आर्मी ऐसी भी है जिन्हें RM के मुँह से ऐसे वर्ड सुनने के बाद काफी ज्यादा वियर्ड लगा, जिससे सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल होती चली गई। लेकिन फ्रेंड्स, वहाँ पर प्रेजेंट BTS मेंबर ने RM कि इस वर्ड को सुनते ही हंसना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उन्हें हंसी आने लगी, जिससे ये क्रिटिकल सिचुएशन एक फनी सिचुएशन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी ये देखा गया कि जिन ने RM से कहा कि आपको ऐसे वर्ड पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बाकी BTS मेंबर ने कैसे भी करके सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर लिया और उन्होंने कहा कि RM ने शिबोय नहीं इनफैक्ट शिबोबे बोला है और कोई भी इसे मिस इंटरप्रेट ना करे। हालांकि फ्रेंड्स, उस टाइम पर BTS मेंबर की सिचुएशन देखने पर काफी ज्यादा फनी फील हो रहा था और आर्मीज भी RM के सिचुएशन को समझ रही थी कि ऐसे नॉर्मली मिस्टेक नॉर्मल लाइफ में अक्सर हो जाती है। पर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि BTS मेंबर के छोटे छोटे वर्ड काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और एक छोटे से वर्ड का काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, वही हुआ। काफी सारे न्यूज चैनल और आर्टिकल्स में ये पब्लिश हो गया कि RM ने नेशनल TV चैनल पर एब्यूज यूज किया है। हालांकि फ्रेंड्स, इस बात की पूरी सच्चाई को आप जान ही चुके हैं और आपको पता चल ही चुका है कि हमारे BTS के लीडर यानी कि RM ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। और फ्रेंड्स, अगर उनके मुंह से उस टाइम पर कुछ गलती से गाली निकल भी जाता तो वो उसकी माफी मांग ही लेते, क्योंकि फ्रेंड्स, इससे पहले भी जब जिमिन लाइव आए हुए थे तब जिहोब ने कुछ गलत बोल दिया था, जिसके बारे में बाद में बताया गया कि ये सिर्फ मिस इंटरप्रेट है, क्योंकि कोरियन में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें बोला नहीं भी जाए पर ऐसे सुनने में लगता है कि वही वर्ड बोले गए हैं और वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं, जिसकी वजह से BTS मेंबर और बाकी वहाँ की आर्मीज भी काफी बार कंफ्यूज हो जाती है। और काफी टाइम ऐसा भी होता है कि ऐसे ही कंफ्यूजन की वजह से BTS मेंबर की इमेज भी खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि BTS के लीडर RM ने गाली दी होगी या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।